आज हाई कोर्ट में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के सरकार के बीच जो एक पावर टसल चल रहा था, उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। उस निर्णय के पश्चात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय में बहुत सारी बातें बड़ी स्पष्टता के साथ उभर कर आती हैं, और अगर मैं बड़े सादे शब्द में कहूं तो आम आदमी पार्टी को एक करारा तमाचा कानून और न्याय प्रक्रिया द्वारा आज लगा है। आज से पहले जो आम आदमी पार्टी लोगों को बरगलाने की कोशिश करती थी, जिस प्रकार की नौटंकी करती थी और कहती थी कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, आज अगर सही मायने में हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़े, निर्णय को पढ़े, तो पता चलता है कि ये काम करना चाहते नहीं थे। एंड दे वर इन सर्च ऑफ एक्सक्यूज, ये किसी प्रकार से काम करना नहीं चाहते थे, ये बहानेबाजी में लगे हुए थे, और आज बहाना पकड़ा गया है। बड़ा प्रश्न उठता है कि आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने एक पेटिशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमें बड़ा परेशान किया जा रहा है, काम करने नहीं दे रहे हैं एलजी महोदय हमें, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और आप हमें इससे निजात दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, आपने तो हाईकोर्ट में डाला हुआ है, आप हमारे पास मत आइए, अभी हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट जो कहेगी उसके बाद देखा जाएगा, आप पहले हाईकोर्ट में जाइए। फिर मुंह लटका कर वो हाईकोर्ट वापस आए थे। ये बड़े शातिर लोग हैं, इन्होंने गणना की, इनको पता लगा कि हाँ यह हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला है, 4 तारीख को आएगा, पता था उनको। निर्णय भी क्या आने वाला है इनको पता था, क्योंकि मन में जब चोर होता है, दाढ़ी में जब तिनका होता है, तो पता होता है कि ये तो केवल बहानेबाजी कर रहे थे, कानून के विरुद्ध जाकर काम करने का प्रयास कर रहे थे। दे आर अपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे वेरी वेल न्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अपहेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ दिस कंट्री। वो जानते थे कि देश का जो कानून है वो सर्वविद्ध है, और देश का जो संविधान है उससे बड़ा कोई नहीं है, और देश का जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो संविधान की रक्षा करेगा, ये अरविंद केजरीवाल जी जानते थे। इसीलिए जो लोग सत्ता की उपासना करते थे वो विपासना का बहाना लेकर बाहर चले गए हैं। उनको पता था कि 4 तारीख को ये होने वाला है, इसलिए ये सत्ता के उपासक, सत्ता के उपासना करने वाले विपासना के बाहर छिपे हुए हैं, ये छिपने वाले लोग हैं। जब पुराने आईने दिखाए गए थे इनको, जब इनको संविधान की प्रति दिखाई जाती थी, जब कोई बिल वापस आ जाता था, तब ये वो लोग थे जो बाहर आकर कहते थे ये प्रधानमंत्री तो साइकोपैथ हैं, प्रधानमंत्री तो कावड़ हैं, ये देश पे इमरजेंसी लगा दिया, ये काला दिन आ गया, भारत लूटने वाला है। यहां तक कह दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये जो केंद्र की सत्ता है ये दिल्ली को पाकिस्तान समझती है, पाकिस्तान की तरह व्यवहार किया जाता है हमारे साथ। आज मैं बिना किसी बात को छुपाए हुए बड़े तथ्य के साथ कहता हूं, दो लोग एक्सपोज हो गए हैं, आज पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है और यहां अरविंद केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है वो आज एक्सपोज हो चुका है, और किस प्रकार ये अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी संविधान के साथ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। मैं ललकार के यहां से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी गाली देने में, खराब शब्दों का प्रयोग करने में, अनपार्लियामेंट्री वे में संबोधना करने में आप एक्सपर्ट हैं। आज जब आपको तमाचा लगे हैं तो कहां छुप के बैठे हुए, आइए सामने आइए, ये बहाना लेकर छुपने का काम बंद करिए। डोंट हाइड बिहाइंड एक्सक्यूजेस, यू न्यू वेरी वेल दैट टुडे इज द जजमेंट डे, एंड सिंस you are on the wrong track, you knew what the judgment would be because you knew that the courts of this country would uphold the constitution of this country. Knowing this,
You are hiding, Mr. Arvind Kejriwal. You should come out. We challenge you today. You have used unparliamentary words against the Prime Minister of this great country. You have used unparliamentary words for the democracy of this great country. And when today you have got a slapping from the High Court of this country, when the High Court of this country has said, jab High Court ne kaha hai ki aapne illegal nirnay liye hain, ye choti baat nahi hai bandhuon, illegal nirnay, gair kanuni nirnay. अगर कोई सरकार डेढ़ वर्षों तक इल्लीगल निर्णय लेती है, क्या यह संभाला जा सकता है? क्या नैतिकता के आधार पर इस सरकार को जनता के सामने पुनः नहीं जाना चाहिए? आपके 21 एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के कगार पे खड़े हैं। आपने वहां कानून के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, और जब आप पकड़े गए तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार का कानून है। और आज जब हाईकोर्ट ने कहा कि डेढ़ वर्षों तक आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और जो भी आपने कानून बनाए वो सब गलत थे, वो सब तर्कसंगत नहीं थे, तो आज आप छुप कर क्यों बैठे हैं? अरविंद केजरीवाल जी, आपको आके मीडिया का सामना करना चाहिए। यही वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अपने आप को एनार्किस्ट कहा था। आपको याद होगा भली भांति कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही कॉल्ड हिमसेल्फ एनार्किस्ट। उन्होंने घोषणा की थी, मैं एनार्किस्ट हूं। 26 जनवरी क्यों मनाया जाए, मैं एनार्किस्ट हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो कहा था उस पर हाईकोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है कि हां आप एनार्किस्ट हैं। आपने कहा था आप एनार्किस्ट हैं, आज हिंदुस्तान के एक उच्च न्यायालय ने आपके उस कथन पर ठप्पा लगा दिया। यस मिस्टर अरविंद केजरीवाल, यू आर एन एनार्किस्ट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। यू आर फूलिंग द पीपल ऑफ दिल्ली एंड इंडिया ऑल दिस वाइल। एंड सो मिस्टर केजरीवाल, डोंट हाइड, अपीयर, कम एंड फेस द कैमरास। बड़ा कष्ट हुआ जब हाईकोर्ट के आप ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक अनुच्छेद में ऐसा भी लिखा गया है कि जिस भाषा का प्रयोग एक पक्ष ने किया वैसे भाषा का प्रयोग तो मैं वो शब्द भी नहीं कहूँगा, वैसे भाषा का प्रयोग तो बदमाश भी नहीं करते, जिस भाषा का प्रयोग कुछ दिनों से वो कर रहे थे सरकार के खिलाफ। और मुझे बड़ा कष्ट होता है प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये तो बड़ा दिल दिखाकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने हमेशा क्षमा किया है, क्योंकि बड़ों को हमेशा क्षमाशील और क्षमावान होना चाहिए, मगर किस प्रकार से आपने लोकतंत्र को, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के सम्मान को सदैव ठेस पहुंचाया है वो हम सब ने देखा है। अभी मनीष सिसोदिया जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एलजी वर्सेस सीएम की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में वी द पीपल की चलनी चाहिए, लोकतंत्र में वी द पीपल का बोलबाला होना चाहिए, सिलेक्टिव लोगों का नहीं चलना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बोलना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वी द पीपल का चलना चाहिए, मगर वी द पीपल मूव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो वी द पीपल है वो संविधान के दायरे में चलते हैं। और ये सिलेक्टिव पीपल कौन है? हाईकोर्ट को आप सिलेक्टिव पीपल कह रहे हैं? हाईकोर्ट अपहोल्ड्स द इंटेग्रिटी, द सॉवरेनिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द हाईकोर्ट एंड इट्स वर्डिक्ट। आपके कुछ नेताओं ने ट्वीट किया है जो आपत्तिजनक है, उन्होंने इसे एंटी पीपल वर्डिक्ट कहा है। खैर, आप तो एनार्किस्ट हैं ही, तो आप कह सकते हैं और ये कहते रहे हैं, मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए, ड्रामा करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, ये हम जानते हैं। मगर केजरीवाल साहब, अंत में इतना ही कहूँगा, जब आपको यूपी जाना होता था, जब आपको गुजरात जाना होता था, तब तो आप मौजूद रहते थे और त्वरित रूप से आप वहां चले जाते थे। आज जब आपको कैमरे को सामना करना चाहिए, आज जब हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद, मैं तो ललकार के कहता हूं, आज इस हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद दे हैव लॉस्ट देयर मोरल राइट टू बी इन द गवर्नमेंट। जो इलीगल डिसीजन लेता हो, जिसके इतने सारे कानून, ऐसा तो नहीं है कि आप जानते नहीं है, क्योंकि संविधान एक किताब है जिसको पढ़कर आप सच्चाई को जान सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा नहीं आप जानते नहीं तो आप अनभिज्ञ थे, और अनभिज्ञ कभी शासक नहीं बन सकता। सब कुछ जानते हुए भी आपने गैर कानूनी काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए, सो यू हैव लॉस्ट मिस्टर अरविंद केजरीवाल द राइट टू बी इन पावर। यू शुड अप्रोच द पीपल ऑफ दिल्ली वंस अगेन। आप तो कहते थे कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, हर चीज में जनता से पूछेंगे, आज कहां छुप के बैठे हैं?
जो सत्ता के उपासना करने वाले लोग विपासना के नाम पे छुपे नहीं, जनता के बीच में आए, जनता की राय लें कि आखिरकार इतने वर्षों तक, डेढ़ वर्षों तक जनता से झूठ क्यों बोला, बरगलाया क्यों। अब मेरे मित्र और सहयोगी श्री जीवीएल नरसिम्हा राव जी इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एट द लीस्ट वी डिमांड forthwith an apology from Arvind Kejriwal to the people of Delhi for having misled them all this while, for having sacrificed their interests for the sake of his political posturing, for completely violating the laws of the land, and for throwing the constitution of the country to the winds. We know that party has no respect for the holy books of different religions, and they have no respect for the constitution of the country. And at the least, we demand that they must forthwith, Kejriwal should apologize to the people of Delhi for having misled the people of Delhi, for having sacrificed their interests all this while, and for uttering lies after lies, and for making false accusations without any substance. He is already, the AAP is already popularly known as always abusing party, always alleging party, always accusing party. They are nothing but a party for the Aam Aadmi. I think for a party which had the interests of the people of Delhi would not have resorted to a confrontational path, would not have assumed powers which it did not have under the constitution of the country. Therefore, we demand forthwith an apology. Kejriwal is the first one to tweet on any issue under the sun. He comments very loquaciously on all court verdicts from time to time. And where is he hiding? Where is he running away? Why is he not apologizing to the people of the country? And his party leaders and his deputy chief minister claims that his party and government are very popular and they have done some great things for the people of Delhi. I challenge the Aam Aadmi Party government. If you really think you have done well, if you really think you have delivered on the promises you have made, which you have not, go back to the people of the country, people of Delhi, and seek a fresh mandate. People have lost interest, people have lost faith in Aam Aadmi Party government, and they are highly disappointed and disgruntled. If only you go to the people of the state, you will realize the amount of anger that people of Delhi today have towards the Aam Aadmi Party government in Delhi. You claim that you wanted to do so much for Delhi. What have you been busy with all these months? The first thing that you wanted to do was to increase salaries of your MLAs manifold. You have made 21 of your MLAs parliamentary secretaries, violating the violating laws and possibly attracting office of profit disqualification. You have been so self-engrossed. You only wanted all the perks and powers for yourself, and you never thought about the people of Delhi. It's such a tragedy that the people of Delhi have been left to fend for themselves. And what you have done all this while was to ingratiate yourself and your MLAs with the perks, and also indulging in acts of corruption for which some of your ministers had to demit office. I think yours is nothing but a corrupt government, most inefficient government that Delhi has seen, most insensitive government that the people of Delhi have seen. One can, wise people know what is to be done, how work is to be done. Ignorant people can be told how you can govern, what needs to be done to really serve people of Delhi. But people who are irresponsible, people who are foolish, people who are ignorant, and people who do not want to really see wisdom, I think will only indulge, will only face the kind of verdicts that they have seen today. We have no doubt that they would get similar slap
when the matter goes to the Honorable Supreme Court, because the courts only interpret the Constitution. And both the laws and the Constitution are very clear on the verdict that the Honorable High Court has delivered today. We seek an apology from Kejriwal. And if they really believe they have the public support even today, we challenge them to go to the people of Delhi to seek a fresh mandate. Thank you.